मैं हमेशा कहता हूँ कि कहानी जो है ना उसको फुटबॉल की तरह ट्रीट करना चाहिए, उसको दूर फेंको, अगर वो वापस आती गई तो बना लो। तो ये उस वक्त किसी ने कहानी सुनाई थी हमको, अजय और मुझे बहुत अच्छी लगी, फिर हमने इसको बैक बर्नर पे रख दिया। कई बार आपने कई फिल्मों को फिल्म मेकर से ये सुना होगा कि ये कहानी मैं 8 साल पहले सोच के बैठा था, 10 साल पहले सोच के बैठा था। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, लेकिन इस कहानी को बनाने के लिए एक वक्त सही होना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम पे इस किस्म का ड्रामा नहीं आ रहा था। आज आ रहा है, जो थोड़ा सा रियलिटी थोड़ा सा फिक्शन वाला जो ड्रामा है वो आज पॉपुलर हो गया है, इंटरनेट पे भी, वेब सीरीज़ में, हमारी फिल्मों में। प्लस एक मल्टी स्टारर एस्पेक्ट चाहिए था इस फिल्म को, क्योंकि इस कहानी में अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। जब थोड़ा वक्त मिला बहुत सारी फिल्में बनाने के बाद, सोचने का जब वक्त मिला तो ये आइडिया पे हम वापस गए और हमने भूषण जी को सुनाई, अजय देवगन को सुनाई, और सबको यही फील हुआ कि यार ये इसमें दम है, इसको बनाते हैं। फिर बाकी स्टारकास्ट के पीछे गए, और हमारा गुड फॉर्चून था कि सब जो हमारे पहली चॉइस थी, मोस्ट ऑफ देम सेड यस इमीडिएटली। एंड दिस फिल्म नीडेड दिस माउंटिंग, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, हाइस्ट है, ख़जाना है, हिस्ट्री है, इमरजेंसी है, तो एक स्केल की ज़रूरत थी, एक पेशेंस की ज़रूरत थी, तो जो उसका टाइम था उस टाइम पे आ रही है फिल्म। बादशाह जब फिल्म की नरेशन इन्होंने मुझे दी थी तो वहीं से हमें मुझे एक इंस्टिंक्ट आ गया था कि ये बहुत बड़ी फिल्म बनने वाली है। और आजकल आप देखें मल्टी स्टारर फिल्म लोग सोचते भी नहीं है बनाने का, क्योंकि एक एक हीरो हीरोइन के साथ ही लोग थक जाते हैं। तो वो हैट्स ऑफ टू मिलन सर के, उन्होंने इतनी बड़ी फिल्म को टेक ऑफ करके पूरा और 67 डेज में इन्होंने पिक्चर बनाई है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज खुद से है कि इतनी सारी स्टारकास्ट के साथ आप 67 डेज में, क्या आपको दो एक्टर्स के साथ लोग 200-200 दिन में बनाते हैं, इन्होंने 67 डेज में इतनी बड़ी स्टारकास्ट के साथ बना ली। और मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि मुझे एक बड़ी फिल्म बनानी है, मीन्स बड़ी एक जो बॉलीवुड फिल्म रियल फिल्म कहते हैं उसको बनानी है, और उस चीज़ का इन्होंने पूरी चीज़ों से ध्यान रखा। आज जो लोग देखना चाहते हैं, आज लोग थोड़ा रियल देखना चाहते हैं, कुछ फिक्शन, आज सिर्फ फिक्शन आप बनाएंगे लोग रिलेट ही नहीं कर पाते हैं, बोलते हैं यार कि हमें नहीं देखनी।